लाशों को सीढ़ियां बनाकर ऊपर चढ़ता गया। बिना किसी को जाने समझे उनका दिल जीतना डिफिकल्ट है, बट नॉट इम्पॉसिबल। मैं कभी किसी से मिलने से पहले राय कायम नहीं करता। क्या एक बार फिर से होने जा रही है साउथ वर्सेस बॉलीवुड की टक्कर? आखिर कौन से बड़े सुपरस्टार टकराने वाले हैं? किसकी होगी जीत? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, साउथ के सुपरस्टार प्रभास की अपकमिंग सलार को लेकर बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई है। आपको बता दें, मेकर्स ने फिल्म की रिलीज डेट को अनाउंस कर दिया है, जो कि है 28 सितंबर 2023। रिलीज डेट सामने आते ही फैंस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गए। लेकिन आपको बता दें, इसी तारीख पर ऋतिक रोशन की फाइटर भी रिलीज होने वाली है। इससे साफ होता है कि एक बार फिर से साउथ वर्सेज बॉलीवुड का बवाल बॉक्स ऑफिस पर देखने को मिलेगा। प्रभास और ऋतिक के बीच एक ही तारीख को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त भिड़ंत होगी। रिपोर्ट्स की माने तो दोनों ही फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्रेज है। आपको बता दें, चाहे प्रभास की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर फिलहाल फ्लॉप हो रही हैं, लेकिन फैंस के बीच अब भी उनका क्रेज कम नहीं हुआ है। यही वजह है कि फैंस काफी टाइम से उनकी फिल्म सलार का वेट कर रहे हैं। सोमवार को फिल्म की रिलीज डेट सामने आते ही फैंस एक्साइटेड हो गए। आपको बता दें, इस फिल्म को KGF चैप्टर 2 के डायरेक्टर प्रशांत नील डायरेक्ट कर रहे हैं। इसमें प्रभास के साथ श्रुति हसन नजर आएंगी। रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही प्रभास ने फिल्म के लिए जबरदस्त एक्शन सीन्स शूट किए। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म एक्शन थ्रिलर फिल्म फाइटर की रिलीज डेट भी फिलहाल 28 सितंबर 2023 ही बताई जा रही है। ऐसे में जब प्रभास की सलार की रिलीज डेट सामने आई तो कहा जा रहा है कि दोनों के बीच ये तगड़ी भिड़ंत होने वाली है। कहा जा रहा है फाइटर का कनेक्शन यशराज फिल्म्स की स्पाई यूनिवर्स से है। इसमें सलमान खान की फिल्म टाइगर श्री और शाहरुख खान की फिल्म पठान भी शामिल है। आपको बता दें, फिल्म फाइटर की शूटिंग जल्द ही शुरू होगी। कहा जा रहा है कि फिल्म में दीपिका धांस हुए एक्शन करते हुए नजर आएगी। ऋतिक इसके अलावा सैफ अली खान की विक्रम वेधा को लेकर भी काफी सुर्खियों में है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, दोनों की भिड़ंत में कौन आगे निकल जाएगा? क्या साउथ पड़ेगा बॉलीवुड पर भारी या बॉलीवुड ले जाएगा बाजी? आपको जो भी लगता है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।